हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल हाथ का हुनर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मैं ये बहुत ही खूबसूरत सा बॉर्डर का डिजाइन लेकर आई हूँ। इस डिजाइन को आप जेंट्स स्वेटर, लेडी स्वेटर, कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर सभी में डाल सकती हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए 3 के मल्टीपल में फंदे लेने होते हैं और 2 फंदा प्लस एक्स्ट्रा लेना होता है बॉर्डर को एडजस्ट करने के लिए। और ये सिर्फ 2 सिलाई का डिजाइन है, इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए, वक्त गंवाए बगैर डिजाइन को बनाना शुरू करती हूँ। इस डिजाइन को बनाने के लिए देखिए, मैंने सिलाई पे 14 फंदे डाले हैं और 12 फंदे 3 के मल्टीपल में और 2 फंदा एक्स्ट्रा। 14 फंदे डालकर मैं बता रही हूँ कि यह कैसे बनता है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक उल्टा बनाना है। ये डिजाइन उल्टे साइड से शुरू हो रहा है। एक उल्टा बनाएं, धागा को पीछे करके एक सीधा बुंदे, फिर धागा अपनी तरफ करें और देखिए यहाँ पे 2 फंदा को ट्विस्ट करना है। ये पीछे वाले को आगे करना, आगे वाले को पीछे करना है। वो हम कैसे करते हैं, आगे की तरफ से ऐसे सिलाई को डालें और सेकंड वाले फंदे को इस सिलाई पे ले लें इस तरह से, और फर्स्ट वाले फंदे को हम फिर से दोबारा इसी सिलाई पे चढ़ा देंगे इस तरह से। ये पीछे चला गया, अब इस फंदे को जिसे मैंने लिया था वो फिर से इस पर डाल देंगे। ये पीछे वाला फंदा है, ये आगे आ गया। अब हम दोनों को उल्टा बना लेंगे। देखिए इस तरह से दोनों को उल्टा बुन लें, 1 2। धागा पीछे की साइड कर दे, एक एडजस्ट स्टिच छोड़कर इस 3 फंदे को हम बार बार रिपीट करेंगे, 1 सीधा 2 उल्टा। फिर से देखिए, हम 1 सीधा बुन लेते हैं, धागा अपनी तरफ कर लेंगे और 2 फंदे को हम ट्विस्ट करेंगे। सेकंड वाले को पहले सिलाई पे इस तरह से ले लें और फर्स्ट वाले फंदे को हम फिर से सिलाई पर डाल दें। अब सेकंड वाले फंदे को भी हम सिलाई पे इस तरह से चढ़ा देंगे। अब हम दोनों फंदे को उल्टा बुनेंगे। ट्विस्ट हो गया, पीछे वाले आगे हो गया, आगे वाले पीछे हो गया। अब दोनों को हम उल्टा बना लेंगे, 1 2। अब हम धागा को पीछे करके फिर से 1 सीधा बुनेंगे और धागा आगे करके 2 उल्टा, लेकिन ट्विस्ट करके सेकंड वाले को पहले बुनेंगे और फर्स्ट वाले को बाद में। इस तरह से सिलाई पर डाल दे ट्विस्ट करके ऐसे। अब हम पहले 1 2 2 उल्टा बना लिया। अब धागा को पीछे कर देंगे, फिर से 1 सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करें, यहाँ पे ट्विस्ट करना है तो हम आगे की साइड से फंदे को इस तरह से लेंगे और इसे आगे कर देंगे और दोनों को उल्टा बना लेंगे, 1 2। धागा पीछे की साइड करेंगे, 1 सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करके 1 उल्टा बना लेंगे। देखिए डिजाइन का फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड रो की तरफ आते हैं। सेकेंड रो की तरफ हम, ये सीधी सिलाई है, सेकेंड रो में ही सीधी सिलाई है तो हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे 1 फंदा को हम बगैर बुने उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे की साइड करेंगे, यहाँ पे 2 फंदा को सीधा बुनना है और ट्विस्ट करके पीछे वाले को आगे करना है, आगे वाले को पीछे। तो हम सीधे की तरफ पीछे साइड से हम फंदा को इस तरह से सिलाई पर लेंगे इसे आगे करने के लिए, और इस फंदे को इस सिलाई पर डाल के इसे आगे कर देंगे। अब हम दोनों फंदा को सीधा बुन लेंगे, 1 2। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इसी 3 फंदे को हम बार बार रिपीट करेंगे। ये एडजस्ट स्टिच छोड़कर 3 फंदे को हम बार बार रिपीट करेंगे, 1 उल्टा, धागा पीछे करके 2 सीधा, पीछे वाले फंदे को आगे, आगे वाले पीछे को फिर पीछे, इसे आगे कर देंगे और 2 सीधा बुन लेंगे। देखिए एक बार फिर से देखिए, धागा अपनी तरफ, 1 उल्टा, धागा पीछे की साइड, 2 सीधा, और पीछे सेकंड वाले फंदे को पहले बुनेंगे और ये फंदा को आगे वाले को पीछे कर देंगे और पीछे वाले को आगे कर देंगे, तो 2 फंदा को ट्विस्ट कर देंगे। अब दोनों को हम फिर से सीधा बुन लेंगे, दोनों फंदे को सीधा बुन लिया। अब हम धागा को अपनी तरफ करेंगे, 1 उल्टा बनाएंगे,
फिर धागा पीछे की साइड करेंगे और दो सीधा बनाएंगे, पीछे से सिलाई डालते हुए सेकंड फंदे को आगे कर देंगे और फर्स्ट फंदे को पीछे इस तरह से। अब दोनों फंदे को हम फिर से सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ एक उल्टा, लास्ट में एक सीधा। देखिए डिजाइन का सेकंड रो भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से दो सिलाई का डिजाइन है, जैसा कि मैंने बताया दो सिलाई कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से इसी दो सिलाई को रिपीट करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड रो। इस तरह से बनते बनते डिजाइन कुछ इस तरह का बनकर दिखने लगेगा। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन है। इस डिजाइन को आप किसी भी स्वेटर में डालेंगे बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। अगर मेरा ये डिजाइन बताने का तरीका पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके और आप देखकर कुछ सीख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिजाइन के साथ। थैंक यू।